अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सिरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड द टाइटल ऑफ द पेपर इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट यूनिट उठाया है, तो जो दो यूनिट्स है आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देख लो, वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो दोनों यूनिट्स मैंने कंप्लीट करके दिए हैं। तो ये जो हमारा लास्ट यूनिट है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स, तो इसके रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो दिया था, एक लेक्चर दिया था। हमने उस पर डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड्स एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आज हम आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको तीन मेथड्स पढ़ने हैं। वन मेथड इज प्रोजेक्ट मेथड, देन यू हैव ह्यूरिस्टिक मेथड एंड देन यू हैव डाल्टन प्लान। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किसको, प्रोजेक्ट मेथड को। तो हियर वी गो माय डियर। तो व्हाट इज टुडेज लेक्चर? यस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज डिस्कस इन डिटेल प्रोजेक्ट मेथड। कल मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि आपको पहले प्रोजेक्ट मेथड को डिफाइन करना है, उसके बाद आपको की फीचर्स पे आना है, देन यू हैव टू कम टू द व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड। इट विल टेक जस्ट 2 डेज, है ना। आज हम थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताएंगे और साथ में हम आपको की फीचर्स भी बताएंगे। रहा सवाल फिर प्रोसीजर का, सेटअप्स का एंड देन मेरिट्स का, वो हम अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या है, आराम से देख लीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको खाली इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे ना, तो काफी है बेटा। प्रोजेक्ट मेथड जो है, सबसे पहली बात जो है, ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग प्रोसेस है, यानी ये बच्चों के इंटरेस्ट को देखने के बाद फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये सबसे पहला पॉइंट जो है, ये लर्नर सेंटर्ड है टीचिंग अप्रोच, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पूरी तौर पे इन्वॉल्व करते हैं। समझ आए मेरी बात? एग्जैक्टली बेटा, हमें 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 बच्चों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना है। तो क्या आपने पहला पॉइंट इसमें नाम क्या ना क्या याद रखा, इट इज अ लर्नर सेंटर टीचिंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन कॉम्प्लेक्स, यस कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड टास्क, यूजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली बात जो है, जो आपको दिमाग में रखनी है, कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है सर, ये लर्निंग, ये लर्नर सेंटर्ड है, जिसमें हम बच्चों को एक्टिवली एंगेज करते हैं ऐसे टास्क में जो कॉम्प्लेक्स है, जो रियल वर्ल्ड है, है? तो इट इज यूजुअली एक्सटेंडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ पैसिवली, देखो एक एक डिस्कशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेक्चर मेथड अप्लाई करूंगा ना, लेक्चर मेथड में बच्चे को पैसिवली लिसन करना होगा, तो वहां पे हम रूट लर्निंग पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, इसमें हम पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीवर नहीं, बल्कि हम इसमें बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो प्लान करे, एग्जीक्यूट करे और किसी भी प्रोजेक्ट को वो खुद क्या करे, इवैल्यूएट करे। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये मेथड बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, इसके अंदर क्रिएटिविटी जाग जाती है, इनसाइट डेवलप हो जाता है, वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज आ जाती है। तो मियर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेक्चर मेथड अप्लाई करूंगा, मैंने जो बोला वही चीज बच्चे को याद रखनी है, या वहां पे रूट लर्निंग ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड में हम बच्चे को पूरी तरह से एंगेज रखते हैं, बच्चे को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखते हैं किसी भी एक्टिविटी में। तो याद रखेंगे, अगर हम इसको प्रोजेक्ट देंगे, वो मजबूर हो जाता है कि वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, प्लान कैसे करे, एग्जीक्यूट कैसे करे, फिर जाके इसको इवेल्युएट कैसे करे। तो वो काम जिसमें बच्चा प्लान भी करे, एग्जीक्यूट भी करे, इवेल्युएट भी करे, इसका मतलब है इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सकती है, इसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो सकता है।
समझ आ गया, ये फायदा है प्रोजेक्टिव मेथड का। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा प्रोजेक्टिव मेथड आपको समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्टिव मेथड वो मेथड है जो लर्नर सेंटर्ड है, जिसमें हम बच्चे को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखते हैं उन जैसे कामों में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो रियल वर्ल्ड होते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे कोलैबोरेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डेवलप होती है। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोजेक्ट मेथड की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। तो कीपिंग द डेफिनेशन इनटू कंसीडरेशन, वी हैव सम सर्टेन की फीचर्स। तो की फीचर में क्या आएगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहला पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है लर्नर सेंटर्ड। प्रोजेक्ट मेथड का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड। ये मेथड जो होता है ना, ये फोकस करता है फ्रॉम टीचर टू लर्नर। अगर मैं लेक्चर मेथड की बात करूंगा, लेक्चर मेथड टोटली होली एंड सोली टीचर डिपेंडेंट है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे, देयर हियर इज अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर टू द लर्नर। तो स्टूडेंट खुद ही प्रोजेक्ट को चूज करता है, प्रोजेक्ट टॉपिक्स को चूज करता है जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो है, लेकिन उसका जो गाइड होता है, नो डाउट उसका गाइड स्टूडेंट ही होता है। देखो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी आप लोगों ने पढ़ी होगी, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी कहता है कि बच्चे को प्रोजेक्ट सिलेक्ट खुद करना होता है। तो जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है, एज पर द इंटरेस्ट ही कैन सिलेक्ट द टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट। बट साथ में ही जो टीचर का रोल है ना, इट इज बिहाइंड द कर्टेन। बिहाइंड द कर्टेन का मतलब क्या है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन जहां पे लगेगा कि टीचर को लगेगा कि लर्नर को मेरी जरूरत है, तो टीचर जाके वहां पे इनको मदद कर सकता है। लेकिन होली एंड सोली टीचर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज द ओनली लर्नर दैट इज होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया। तो दिस ऑटोनॉमी इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। तो वो अपनी लर्निंग का खुद मालिक है। हाँ, टीचर को बिहाइंड द कर्टन इसलिए रखा गया है ताकि वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व ना करे। तो इसका मतलब है यहाँ पे पूरी आजादी दी जाती है किसको, लर्नर को आजादी दी जाती है। दैट इज वाई इट इज लर्नर सेंटर। उम्मीद करता हूं कि पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, वेरी नाइस। अनदर पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यू मस्ट हैव द इंटीग्रेटेड नॉलेज। इंटीग्रेटेड नॉलेज का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड नॉलेज का मतलब हो गया यू मस्ट हैव द नॉलेज। देखो किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक ही नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, आप जब आप करते हो इसमें कितना बजट आएगा, हमें किस तरह से ये बजट को यूज करना है एटसेट्रा, तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज आपको लगेगी ही लगेगी। समझ आ गया। अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ग्रीन हाउस की दी है, ग्रीन हाउस को जानने के लिए आपको प्लांट्स के बारे में जानना जरूरी है, आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में जानना जरूरी है, आपको क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में जानना जरूरी है, तो आपको बायोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी, ज्योग्राफी की भी जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, ग्रीन हाउस कितना लंबा चौड़ा एटसेट्रा, आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की भी जरूरत पड़ेगी, कितना बजट आएगा ग्रीन हाउस को बनाने में, तो आपको इकोनॉमिक्स की भी पता होनी चाहिए, है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, इट प्रोजेक्टिव मेथड जो है ना, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। अब क्या हो गया इंटरडिसिप्लिनरी, प्रोजेक्ट्स जो है ऑफन रिक्वायर स्टूडेंट्स टू इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रीन हाउस बिल्ड करना है जिसमें सब्जी वब्जा उगती है ना, ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को तो समझ आ गया। तो आप ग्रीन हाउस को बिल्ड करने के लिए आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, फिजिक्स के बारे में भी होना, लाइट का कॉन्सेप्ट है ना एग्जैक्टली, मैथमेटिक्स मेजरमेंट एंड इवन इकोनॉमिक्स, दैट इज बजटिंग। सिंपल एट इट इज, ओके, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। नंबर थर्ड, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस। तो प्रोजेक्ट जो है वो टिपिकली ग्राउंडेड इन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल टू डेली लाइफ। फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट मे बी आस्क टू डिजाइन ए सोल्यूशन टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन देयर कम्युनिटी। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड रिलेवेंस। रियल वर्ल्ड रिलेवेंस मीन्स जो करंट सिचुएशन हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही है उसी के ऊपर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ज्यादा कंज्यूम हम करते हैं, तो प्लास्टिक ऐसा चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, इसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट बनाए तो इससे कई सारी एग्जाम्पल्स हमारे कम्युनिटी में है, कई सारे एग्जाम्पल्स कम्युनिटी में है जो रियल वर्ल्ड रेल। तो प्रोजेक्ट मेथड ऐसा होना चाहिए जिसकी रेलवेंस रियल वर्ल्ड रेलवेंस होनी चाहिए, यही इसका मतलब है।
नंबर नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। प्रोजेक्ट जो होता है ना, प्रोजेक्ट इसका मतलब है अकेला बंदा इस पे काम नहीं कर सकता है, देयर मस्ट बी कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, अमंग द टीम मेंबर्स। तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट हमें सोशल लाइफ भी सिखाता है, सोशल रिलेशंस भी सिखाता है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, अकेला बंदा इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता है, तो देयर मस्ट बी द वर्क इन 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 कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेटिव वर्क और टीम वर्क, टीम स्पिरिट आपको डेवलप हो जाता है जब आप प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको एक टीम स्पिरिट डेवलप हो जाता है। तो प्रोजेक्ट इज ऑफन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स, अलाउिंग देम टू कोलैबोरेट, शेयर द आइडियाज, डिवाइड द टास्क, यू डिवाइड, डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है। इन्हें बहुत सारे ऐसे सोशल चीजें आपको समझ में आती है जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, है ना। प्रोजेक्ट करने के लिए आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, आप अपने टास्क को शेयर कर सकते हो, तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों में डेवलप करा सकते हो। तो कोलैबोरेटिव वर्क, आई होप बेटा इट इज क्लियर। नंबर नेक्स्ट इज एक्टिव लर्निंग। तो एग्जैक्टली एक्टिव लर्निंग का मतलब व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इसका मतलब है योर ब्रेन, योर माइंड इज ऑल टुगेदर एक्टिव एंड यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट। सो मेथड जो है ना, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेवलप करता है बच्चों में, एक्टिव लर्निंग डेवलप करता है बच्चों में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग डेवलप करता है बच्चों में, जहां पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले लर्निंग बाय रिसर्च, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बाय क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, राइट। तो एक्टिव लर्निंग इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट और फीचर ऑफ गुड प्रोजेक्ट मेथड, राइट। अनदर इज टीचर्स रोल, द टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर और गाइड रादर देन द ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर, दे प्रोवाइड गाइडेंस, रिसोर्स एंड फीडबैक, बट अलाउ स्टूडेंट टू मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड का जो सोल परफॉर्मर है ना, सोलो परफॉर्मर स्टूडेंट है, लेकिन जहां पे लगेगा कि बच्चे को टीचर की जरूरत है तो वहां जाके उसको गाइड कर सकता है, फीडबैक कर सकता है, लेकिन टीचर डायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तो दैट इज वाई टीचर का रोल यहाँ पे बिहाइंड द कर्टेन से, ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। तो टीचर रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज प्रोजेक्ट मेथड्स कंसर्न। अनदर लास्ट पॉइंट दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब है प्रोजेक्ट जो किस तरह आप प्रोजेक्ट जो आपको असाइन किया गया है, कैसे आप मेजर करोगे, कैसे आप इवेल्युएट करोगे, किस तरह से आप लोगों ने प्लान, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फाइनल प्रोडक्ट्स और आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट देखने हैं, इसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट और इवेल्युएशन is very much important. So assessment is the major attribute, or we can say it is the most important feature of project method. Planning jitna important hai utna executing part bhi important hai, na research bhi important hai, aur utna असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है। असेसमेंट से हमें पता चलता है एक बार जब बच्चे को प्रोजेक्ट दिया तो उसने कितनी गलतियां की, दोबारा जब वो करेगा तो वो कितनी गलतियों को रिड्यूस करता है। तो फीडबैक एंड इवेल्युएशन इज मैंडेटरी, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। सो बाई दिस वी हैव कम्प्लीटेड वन मोर टॉपिक फ्रॉम यूर सिलेबस, दैट इज वट इज प्रोजेक्ट मेथड एंड वट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर भी आपको समझ आ गया एज यूजल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो बेटा, और अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कीप ऑल इज लर्न।